लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शिवाजी रोड पर चोरियां करेंगे। प्रॉब्लम? लेकिन पुलिस का क्या होगा? नो प्रॉब्लम्स, वही जो रोज होता है। जैकी पुलिस पे नजर रखेगा, विकी चोरी का माल इकट्ठा करेगा, और अजय अजय हमेशा की तरह नाच गाकर भीड़ इकट्ठी करेगा। लेकिन बॉस, अजय है कहां? वो हमें वही मिलेगा। Thank you.
पे पलता हूँ, सड़कों पे जीवन गुजारा, अपनी ही हिम्मत से, अपने ही हाथों से अपना मुकद्दर सवारा। सड़कों पे जन्मा हूँ, सड़कों पे पलता हूँ, सड़कों पे जीवन गुजारा, I
मैंने सोचा टैक्सी है। अगर आप टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं तो सुबह तक ये इंतजार खत्म नहीं होगा। जी जी हाँ, वो टैक्सियों की हड़ताल चल रही है। क्या? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। लेकिन आप मुझे जानती नहीं, यही ना, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, इसी तरह जान पहचान भी हो जाएगी। आइए लेकिन आइए ना, बैठिए ना, कम कम ऑन प्लीज। अंधेरी रात, खुली हवा, तन्हाई और दो जवान जिस्म। क्या तुम भी वही चाहोगी जो मैं चाहता हूँ? ये क्या बदतमीजी है, गाड़ी रोको। अरे गाड़ी रोक कर करोगी क्या? छोड़ दे, अरे छोड़ दो मुझे, गाड़ी रोक कर। भागी ना, तुम आते खोदने के लिए तुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप ना आते तो। ऐसी सुनसान जगह पे इतनी रात को क्या कर रही थी? एक सहेली के घर गई थी नोट्स लेने के लिए, टैक्सी का इंतजार कर रही थी। देखो बहन, आज के जमाने में अंधेरे के साथ साथ शैतान सड़क पर उतर आता है, ऐसा रिस्क फिर कभी मत उठाना। अब चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। आओ बैठो भैया। माँ लक्ष्मी, आज तुझे इतनी देर कैसे हो गई? ये क्या हो गया बेटी? शुक्र करो माँ, ये भगवान का अवतार बनकर आ गए, वरना आज तुम्हारी बेटी किसी को मुंह दिखाने लायक ना होती। हे राम, ऐसा क्या हो गया बेटी? कुछ नहीं माँ जी, एक बदमाश बदतमीजी कर रहा था। इन्होंने उसकी ऐसी पिटाई की कि अब वो अपनी हड्डियों की सिकाई कर रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, इसकी लाज बचाकर तुमने इस घर की लाज बचा ली। ऐसा क्यों कह रही माँ जी, मैंने तो भाई होने के नाते अपना फर्ज अदा किया है। खुश रहो बेटे, धन्य है वो माँ जिसने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। जन्म देने वाली माँ धन्य है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, हाँ लेकिन आप जैसी माँ का आशीर्वाद मिला मुझे नात के लिए धन्य जरूर है। तो क्या तुम्हारा? फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं जिसे जिसे अपना कह सकूं। अच्छा मां जी, मैं चलता हूं। उन्हें छोड़कर जाना चाहते हो जिन्हें अपना कह सको? इसे बहन बनाकर तुम मेरे बेटे हो गए हो, मिलते ही मां को छोड़कर जाना चाहते हो? इतना प्यार मत दीजिए मां जी कि मैं। बेटे मेरे दो बच्चे हैं, एक लक्ष्मी और दूसरा सूरज, इन दोनों में बढ़कर मेरी ममता इतनी कम नहीं हुई जिसमें तुम न समा सको। लेकिन माँ जी इस अनाथ को आप चार... आज से तुम अनाथ नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ हूं, ये घर तुम्हारा है, सब तुम्हारे बेटे। चलो अब मुंह हाथ धो लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ, जाओ। आओ भैया। Thank you.
ये तो सपना था। तेरा सपना तो टूट गया। तेरी काली करतूतों को जानकर इस माँ और बहन का जो दिल टूटेगा उसके बारे में सोच। तू चोर है, खूनी है। तुझे इस माँ की ममता को, इस बहन के प्यार को धोखा देने का कोई हक नहीं। इससे पहले कि तेरी गुजरी हुई जिंदगी को जानकर ये प्यार नफरत में बदल जाए, छोड़ दे इस घर को, छोड़ दे इस घर को। पट्ठे के उल्लू, मेरा मतलब उल्लू के पट्टे। चोरी करने आया था वो भी इंस्पेक्टर सूरज प्रसाद के घर में। जी के बच्चे, मैं तुझ जैसे चोर चक्कू की टांगे तोड़कर हाथ में दे दिया करता हूँ। कहा दे दिया करता हूँ मैं हाथ में? हाँ। ये चोर, कितनी बार तुझसे कहा भैया के बच्चे के दरवाजा बंद रखे सोया कर, मगर सुनती नहीं। अरे आजकल के चोर उचक्के साले इतने हरामी हो गए हैं कि पुलिस वालों तो को नहीं छोड़ते, और फिर एक दो टके का चोर इंस्पेक्टर सूरज प्रसाद के घर चोरी करके चला जाता तो कितनी बेइज्जती की बात होती है। किसी और को भी बोलने दोगे या खुद ही बोलते जाओगे? बोलने दूंगा, जरूर बोलने दूंगा, लेकिन पहले इस पट्टे के उल्लू को, मेरा मतलब उल्लू के पट्टे को लॉकर में बंद करके आऊंगा, तब बोलने दूंगा। चल भाई, ये चोर नहीं है। तो क्या है, साधु है? किसने तुम्हारी बहन की इज्जत बचाई है? किसने मेरी बहन की इज्जत में हाथ डालने की कोशिश की? लक्ष्मी, नाम बताओ हरामजादे का, मैं उसे गोली मारूं। उसकी जरूरत नहीं, इतनी मार पड़ चुकी है कि दोबारा किसी शरीफ लड़की के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी मैं पूछता हूँ कौन था वो, नाम बताओ उसका। किसी बड़े बाप का बेटा था भैया, कार में भागा था। और मैं खामों का चोर समझ के पिटाई करता रहा। अरे भाई, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम चोर नहीं हो? आपने मुझे मौका तो बहुत दिया, मैं थोड़ा सा सुस्त निकला। बातें तो बहुत अच्छी करता भाई। एक बात बता, तेरा भूगोल क्या है, ज्योग्राफिया क्या है, काम क्या करता है? आपने मुझे चोर समझा तो समझ लीजिए कि यही काम है मेरा। मजाक मत करो पट्टे के उल्लू, मेरा मतलब उल्लू का पट्टा। अरे सुनो, मैं बताती हूँ इसका भूगोल। इसका नाम विजय है, ये मेरा बेटा है, ये लक्ष्मी का बड़ा भाई और तुम्हारा छोटा। अरे वाह माँ वाह, तुम्हारा बताया भूगोल तो मुझे बहुत पसंद आया। बस जीवन में एक छोटे भाई की कमी थी, आज से पूरी हो गई। एक बात बता, इतनी रात गए तू इधर से कहां जा रहा था? दरअसल मैं घर छोड़ के जा रहा था। किसी भी बोझ नहीं बनना चाहता। अरे छोटा भाई होकर ऐसी छोटी बात करेगा तो मारूंगा नहीं मैं इसे। अरे रो रहा है, अरे जोर से लग गए क्या? नहीं भैया, आज तक किसी ने मारा नहीं। पहली बार बड़े भाई के हाथ का तमाचा खाया तो आंसू निकल पड़े। तो देख, फिर वादा कर कि घर को छोड़ने का कभी ख्याल नहीं करेगा तू, कभी घर छोड़ नहीं जाएगा। नहीं जाऊंगा भैया, जब तक धक्के देके खुद नहीं निकालोगे नहीं जाऊंगा। पट्टे, मैं तुझे सिग्नल तोड़ने और तेज गाड़ी चलाने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।
लड़की व्हाट? इंस्पेक्टर साहब, 10 मिनट के अंदर अगर ये इंजेक्शन नहीं पहुंचा तो ना जाने मेरे पिताजी को। उल्लू की पट्टी, मेरा मतलब पट्टी की उल्लू, मेरा मतलब पकड़ी गई तो झूठ बोल रही है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पिताजी की जिंदगी और मौत का सवाल है। चलो जीप में बैठो। भगवान के लिए प्लीज। देखो पहले जीप में बैठो, सबसे पहले हम तुम्हारे घर चलेंगे, उसके बाद पुलिस स्टेशन। चलो अगर 2 मिनट भी लेट हो जाती आप तो मरीज का बचना मुश्किल था। अब तो ठीक है ना? हाँ अब खतरे से बाहर है, लेकिन ये इंजेक्शन हर वक्त पास होना चाहिए। मुझे 10 मिनट की मोहलत और दे दीजिए इंस्पेक्टर साहब, पिताजी को होश आते ही मैं आपके साथ चलती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। मैं आपकी मोटरसाइकिल भिजवा दूंगा। आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं खुद ले आऊंगी। देखिए भगवान उससे खुश होता है जो अपने माँ बाप की सेवा करता है। आप अच्छी औलाद है, अपने पिताजी का ख्याल रखिए, शायद पुण्य का थोड़ा फल मुझे भी मिल जाए। बाय बाय। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? कमाल है, जब हमने बुलाया तो पूछने की क्या जरूरत है। लेकिन पूछना तो पड़ता है ना सर। अब ये बात पूछना है बैठ सकता हूँ या नहीं? शुक्रिया, लेकिन ये तो पूछना ही पड़ेगा कि आपने बुलाया क्यों सर। आजकल टॉक्स में भी चोरियां होने लगी हैं और चोरियां भी कुछ अजीब सी होने लगी हैं। दवाओं की कंपनीज विदेश से केमिकल्स मंगवाती हैं और चोर ड्रम के ड्रम गायब कर जाते हैं। सर बिना सिक्योरिटी के किसी आदमी के मिले काम होना मुश्किल है। दैट्स द पॉइंट, इसलिए मैं तुम्हारी पोस्टिंग उसी इलाके में कर रहा हूं। जी सर। दूसरा, एक इंस्पेक्टर पुणे से किसी चोर का पीछा करते करते यहां बंबई आ गया है, मैं चाहता हूं कि तुम उसकी मदद करो। जी गुड। हेलो सेन यादव इन, थैंक यू। सर इस चोर का ताल्लुक कहीं डॉक वाली चोरी से तो नहीं? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है सर। अरे यादव। हेलो सूरज, थैंक यू सर। तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? हम दोनों एक ही थाने में 2 साल तक काम कर चुके हैं सर। दैट्स वेरी गुड। अरे भाई वो किसी ने लिखा है ना कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने, तो हम कहते हैं कि है नहीं उस चोर की जिसे ढूंढेंगे इंस्पेक्टर पुराने तो। अच्छा भाई 12:30 बजे मैं चलता हूँ लंच पे, कुछ दोस्त आ रहे हैं मेरे बेटे के। हाँ तो सूरज इस केस के बाद करो, पहले घर चलो, माँ से मिलो, फिर बातें करेंगे उस पट्टे के उल्लू की। मेरा मतलब है उल्लू के पट्टे चोर। आजा चलो। और इस कदर रेट सो रहे हैं कहाँ जा रहा? इधर कहीं नहीं, लक्ष्मी को लेने आना भैया, जरा मुंह हाथ धो लेता हूँ। अबे ओ पट्टे के उल्लू, मतलब उल्लू के पट्टे यादव भाई आए हैं, नमस्ते घर। नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। अच्छा मैं तो ये कहता हूँ यार कि जब तक तुम उस चोर को पकड़ नहीं लेते तब तक यहाँ ठहरने में क्या हर्ज है, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है ना। माफ करना दोस्त, हमारे चचा यहाँ रहते हैं, अगर उनके घर नहीं गया तो खामखा नाराज हो जाएंगे वो। ये बताओ तुम्हारे इस भाई को पहले कभी नहीं देखा? हाँ यूं समझ लो भगवान की देन है, लक्ष्मी की इज्जत बचाई, घर के हर दिल में अपनी इज्जत बना ली। ऐसा दूसरा भाई मिलता हो तो हमें भी दिला दो। देखो भैया इस तरह सारा सारा दिन भटकने से नौकरी नहीं मिलेगी, मैं सूरज भैया से कहूंगी वो एक ही दिन में लगवा देंगे। ना रे ना, उन्होंने अगर पुलिस में भर्ती करवा दिया तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी ना। क्यों, पुलिस की नौकरी में क्या बुराई है? बुराई नहीं है लेकिन मैं नहीं करना चाहता। रिदम डांसिंग स्कूल, तुम रुको मैं एक मिनट में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है कि यहाँ भी एक जगह खाली है, तुम रुको मैं अभी आता हूँ। काफी अच्छा लगा आपका स्कूल, स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं, इक्विपमेंट भी अच्छा है। बस पैसों की कमी है आरती जी, लेकिन अगर आप जैसी हस्तियां हमारी मदद करें, कुछ डोनेशन दें तो हमारे डांसिंग स्कूल है ना शहर में नंबर 1 बन सकता है। नमस्ते अजय, कल के पेपर में मैंने आपका एक इश्तिहार पढ़ा था। क्या अजय? अच्छा मैं चलता हूँ। अजय नमस्ते। अजय देखिए मेरा नाम विजय। नाम बदलने से वो प्यार नहीं बदला जाएगा जिसे छुपाने के लिए तुम आंखें चुरा रहे हो।
आपको कोई गलतफहमी हो रही है। आखिर क्यों, किस भूल की सजा दे रहे हो मुझे? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, इन स्कूलों में भी इसलिए भटक रही थी कि शायद तुम मिल जाओ, लेकिन मिले भी तो। ये कौन है भैया? लगता कोई इनका अपना खो गया है जिसकी शक्ल मुझसे मिलती है। ऐसा मत कहो अजय, ये मेरे भाई हैं, इनका नाम विजय है। बड़ा ही बदकिस्मत है वो इंसान जो इसे प्यार करने वाली प्रेमिका को छोड़ गया। देखिए मैम साहब, आपको ऐसे धोखेबाज के चक्कर में पड़ने के बजाय उसे भूल जाना चाहिए। चलो लक्ष्मी। बहन, मेरे बड़े भैया पुलिस में हैं, इंस्पेक्टर सूरज प्रसाद। दुर्गा मंदिर के पीछे हमारा घर है, घर आना, सूरज भैया तुम्हारे अजय को जरूर ढूंढ देंगे। क्या है? चल फिर चल, गेट बैक। अब ठीक से करना, वन मिनट, कम ऑन। इधर ये टांग जो है ना, ऐसे ऐसे स्ट्रेट, ओके? हाँ चलो, वन टू थ्री फोर। ओके। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी स्टेप सिखाऊंगा जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। अब तक क्यों नहीं सिखाए? इन्हें करने के लिए जिस कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है वो तुम्हें नहीं था, अब आ गया। थोड़ा थोड़ा। Thank you.
से दिल कर हो गई, क्या से क्या ये जिंदगी, शमा हर पल जले, सबको बस में जो करे, जिस पे बस कोई ना चले, इस मोड़ पे सारी दुनिया छोड़ के मिल जाए दिल अजनबी, सारे बंधन तोड़ के, जाने कब किस मोड़ पे सारी दुनिया छोड़ के मिल जाए दिल अजनबी, खुश हूँ। मैंने डैडी को सब कुछ बता दिया है, ये भी के मैं अनाथ हूँ, गरीब हूँ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, उनके लिए इतना ही काफी है। उन्होंने तुम्हें कल घर बुलाया है। सर 125,000 रुपए रूबी ज्वेलर के लिए।
आरती जी ने हीरे की अंगूठी खरीदी है। 50,000 रुपए बॉबी टेलर के लिए। आरती जी ने कुछ कपड़े सिलवाए हैं। 2,00,000 रुपए आरती जी ने पायल डांसिंग स्कूल को डोनेशन देने का वादा किया है। हमारी बेटी का वादा हमारा वादा है। नमस्ते सर जी, मेरा नाम अजय है। बैठो। थैंक यू सर। बस या कुछ और? जी बस। एक मिनट। ठीक है। थैंक यू सर। अपना नाम लिखकर जितनी रकम चाहिए इसमें भर लो, फिर ये शायद छोड़कर कहीं और चले जाओ। उस बैंक का नाम भी बता दीजिए जहां आपने अपनी बेटी को डिपॉजिट रखा है। अजय, कागज के चेकों से दिलों के बैंक कैश नहीं हुआ करते सेठ जी। ये चेक ख्वाहिशों को जरूर पूरा करते हैं, और खास तौर से तुम जैसे लोगों की जो आरती जैसी अमीर लड़कियों के लिए प्यार का जाल फेंकते हैं। मोहब्बत को जाल का नाम देकर आप कोई नया काम नहीं कर रहे। प्यार के इतिहास में आप जैसे कई बापों के नाम लिए जाते जिन्होंने न जाने क्या क्या कहा। इसके बाद आप कहेंगे कि तुम्हारे पास है ही क्या, मेरी बेटी का एक दिन का खर्च तुम्हारे साल भर की कमाई है। ज्वेलरी डोनेशन, कपड़ा लत्ता, आखिर तुम्हारी गरीबी उसे दे ही कह सकती है। आपकी इन सारी बातों का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, और एक दूसरे के साथ जीने के लिए क्या करना होगा इस बात का फैसला हम कर चुके हैं। इसे फैसला नहीं बचपना कहते हैं। एक इकलौती बेटी की खुशी और उसकी भलाई का फैसला करना पाप का काम होता है। आप पाप का कम एक अमीर खुदगर्ज इंसान का काम ज्यादा कर रहे हैं। अजय देखिए मत सेठ जी, मेरी होने वाली पत्नी ने मुझे उसके बाप से रिश्ते की बात करने के लिए कहा था, लेकिन बदकिस्मती से मेरी मुलाकात एक बाप से पहले एक सेठ से हो गई। आपका कीमती वक्त खराब किया इसलिए माफी चाहता हूं। ठहरो अजय, बाप नहीं मिला तो क्या होने वाली पत्नी को भी छोड़ जाओगे? आओ मिला आओ। ये लो, ये नकली परमिट है, केमिकल की जगह मट्टी का तेल लिखा है, और उधर गेट पर अपना आदमी है। जल्दी से निकल जाओ, इंस्पेक्टर सूरज कहीं नजर नहीं आ रहा। या माल की फिक्र है, वरना उस साले सूरज को ग्रहण लगा के छोड़ता। अबे क्यों अपनी मौत को दावा दे रहा लाने? सूरज साहब आप? सूरज इस वर्दी में था इसलिए तुम लोग पहचान नहीं सके। हैंड्स अप। अरे ये क्या कर रहे हो बेला? मेरा जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। धनराज जी, इस क्लब में आपके साथ कई बार खेल चुका हूं, लेकिन ये पहली बार है कि आपका निशाना नहीं लग रहा। क्या बताऊं जी साहब,
मेरी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी भी है, मैं अपने ट्रक्स किराए पर देता हूं। एक शख्स ने एक ट्रक किराए पर लिया और उसी ट्रक में उसने डॉक से चोरी का माल भर लिया। अब वो ट्रक पुलिस ने पकड़ लिया है। अब देखिए ना, केस बनेगा, मुकदमा चलेगा, खामखा मेरी कंपनी का नाम बदनाम होगा। इज्जत बचे, बस मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं। सॉरी से धनराज जी, कानूनी मामलों में मैं अपनी सिफारिश का इस्तेमाल नहीं करता। सिफारिश ना सही, कुछ और तरीके से। मेरा मतलब है कि कंपनी की इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? मेरा मतलब ये नहीं था। इस बात का मतलब तो बच्चा भी समझ सकता है। आप इतना समझ लीजिए सेठ जी, आजी रंजीत सिंह को दो चीजों से सख्त नफरत है, गैर कानूनी काम से और गैर कानूनी काम करने वालों से। समझे? कितने का माल है ट्रक में? कौन हो तुम? भाई जी रंजीत सिंह का इकलौता लड़का सतीश। तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो ट्रक मेरा नहीं है। ठीक है, तो इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हम होटल मेट्रो चलते हैं, जहां कानूनन एक टेबल पर एक रुपए पॉइंट रमी होती है, लेकिन वो एक रुपए का कॉइन हजार रुपए में कैश होता है। इसके अलावा स्टाफ के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाम बदल कर रह रहे हैं, इसलिए कि पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जब से लंदन से आया हूं शहर के होटलों में भटक रहा हूं, चार पांच बार आपके होटल में भी आया था, और फिर लंदन में कुछ ऐसे दोस्तों के साथ रहा हूं जो जुर्म की उड़ती चिड़िया के पर को पहचानते हैं। हम आपके बहुत काम के हो सकते हैं सेठ जी। Why don't you come in? Thank you. कितनी दौलत की तमन्ना है? दौलत कितनी नहीं सेठ जी, जितनी ज्यादा हो कम लगती है। अच्छा? ख्याल तो बड़े लोगों जैसे। आज ये काम देखोगे तो बड़े बड़ों को भूल जाओगे। अगर आपका ट्रक माल समेत छूट जाए, कीमत? ये काम नमूने के तौर पर फ्री, लेकिन इसके बाद हर काम में 50-50। ठीक है, तुमने हाथ बढ़ाया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमने हाथ बढ़ाया नहीं सेठ जी, हाँ फंसे हुए हाथ को निकाल रहे हैं। हेलो इंस्पेक्टर सूरज प्रसाद। मैं आईजी बोल रहा हूँ। ओ यस सर। भाई तुम्हारी वजह से कुछ शरीफ लोग परेशान हो रहे हैं। जी, तुमने डॉक से चोरी किया हुआ माल जो पकड़ लिया, तो आपसे शिकायत की गई है सर? शिकायत तो नहीं, और रिश्वत की पेशकश जरूर कह सकते हो। कौन है वो शरीफ साहब? सर से धनराज, मेट्रो होटल का मालिक, बहुत मशहूर और दौलतमंद आदमी। जानता हूं सर, उनकी दया धर्म की बातें अक्सर अखबार में छपती रहती है। लेकिन जरा होशियारी से, ऐसा ना हो कि पुलिस की बदनामी हो जाए। आजकल तुम जानते हो ना, अखबार वालों को तो जरा मौका चाहिए। आप बेफिक्र रहिए सर, मैं जो कुछ भी करूंगा सोच समझ कर ही करूंगा। गुड गुड बाय। आओ सतीश आओ, तुमने हमारा बिजनेस तो देख ही लिया, आप हमारे साथियों से भी मिल लो। रॉकी, मैकी, जगत बादशाह, और ये है मिस कमल, जो हमारी साथी भी है और हमारे क्लब की डांसर और सिंगर भी। और कमल, ये है मिस्टर सतीश, हमारे नए पार्टनर और तुम्हारे नए मालिक। हेलो। मेरे शो का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। ओके। तुम्हारे साथी अच्छे लगे धनराज। और बिजनेस? हाँ,
बिजनेस? छोटा मोटा काम करते हो, चोरी डकैती, इसमें कमाई भी कम है और काम स्टेटस का नहीं है। लेकिन अब जब सतीश तुम्हारा पार्टनर बन ही गया है तो कोई बड़ा काम किया जाएगा जिसमें लाखों लगाएं और करोड़ों कमाएं। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। चलो इसी बात पर जश्न हो जाओ। Hey!
देखे हैं लेकिन कला का दीवाना पहली बार हुआ हूं। इतनी ढेर सारी चीजें कहां से मिल गई तुम्हें? ये मीठी आवाज, ये सुरीला गला, ये दिल फरेब अदाएं और विस्की की बोतल की तरह शरीर। आई स्वेर सारी दुनिया की शराबें मिला दी जाए लेकिन इस तरह की कॉकटेल नहीं बन पाएगी। नहीं, शराब के नशे में आप काफी बहक गए हैं। अजी साथ दो तो संभल भी जाएंगे। सतीश का जिस चीज पर दिल आ जाता है ना, उसे हासिल किए बगैर छोड़ता नहीं। तुम्हारे हाथ की गर्मी ने मेरे जिस्म में आग भर दी है और ये आग अभी इसी वक्त बुझाई जाएगी। चाहता तो तुम्हें इसी वक्त एक लड़की की इज्जत पे हाथ डालने के जुर्म में हवालात में डाल देता। छोड़ सिर्फ इसलिए रहा हूं कि तुम एक शरीफ और इज्जतदार घराने के लड़के हो। तुम्हारा बाप एक देवता स्वरूप इंसान है और तुम शराब के तुम मुझे लेक्चर देने वाले कौन होते हो? तुम्हारे बाप को गुरु मानने वाला और तुम्हें छोटा भाई मानने वाला। चले जाओ वरना ये रिश्ता इतनी इजाजत देता है कि इसी वक्त मार मार कर तुम्हारा सारा नशा उतार दूं। ये मत भूलो इंस्पेक्टर कि मैं अपने बाप से कहकर तुम्हारी वर्दी उतरवा सकता हूं, समझे? जब तुम्हारे बाप को तुम्हारी घिनौनी और जलील हरकत का पता चलेगा तो तुम्हारा क्या हशर करेगा? इस बात का पता तुम्हें चल जाएगा। आओ कम ये बास्टर्ड अपने आप को समझता क्या है? वो क्या समझता है क्या नहीं वो बात की बात है। फिलहाल हमें ये समझना है कि ये इंस्पेक्टर सूरज हमारे होटल में क्यों कर आया था। ये लौंडिया कमल कहीं डबल क्रॉस नहीं कर रही? हाँ नहीं 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 नहीं, ये कमल डबल तो क्या सिंगल क्रॉस भी नहीं कर सकती। लेकिन तुम जरा अंदर से इसके साथ जबरदस्ती नहीं करना क्योंकि ये लड़की बहुत काम की चीज है। रहा ये इंस्पेक्टर सूरज, सूरज को मैं ऐसा ग्रहण लगाऊंगा जिससे वह जिंदगी भर निकल नहीं पाएगा। सूरज
एक बात पूछूं कमल? जो इज्जत पिताजी की सेवा करते देखकर बनी थी, होटल में नाच गाकर जिस्म की नुमाइश करते देखकर मिट गई ना। कमल कीचड़ में रहता है लेकिन चढ़ाया भगवान के चरणों में ही जाता है। और ऐसे भी ये तुम्हारा पर्सनल मामला है। लेकिन दोनों बार आपने मेरी मदद पर्सनल मामले में ही की। मैंने तो मदद अजनबी बनकर की, मगर तुम पर्सनल में शामिल कर रही हो, यह तुम्हारा बड़प्पन है। आपने कमल की मिसाल दी है, इसलिए एक बात जरूर कहूंगी। कमल का घर कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ में घर बनाना कमल की ख्वाहिश नहीं, मजबूरी है। तुम्हारी मजबूरी में जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरी एक मजबूरी है। जी, किस्मत ने दो मुलाकात का मौका दिया, क्या तीसरी मुलाकात के लिए भी उसी पर भरोसा करना पड़ेगा? तीसरी मुलाकात का मौका मैं निकालूंगी। जैसे मेरी गाड़ी को ठोका, लेना अंदर जाके बंद करो। साहब मैं तो साहब, इसने आईजी साहब के बेटे सतीश साहब की गाड़ी को ठोका है। कहाँ है सतीश साहब? आ रहे हैं। आइए आइए सतीश साहब। कहिए कैसे आप? ठीक हूँ ठीक हूँ। शोभे, अंधाओं की गाड़ी चलाता है क्या? साहब मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, कसूर मेरा नहीं, इनका है। अबे आईजी साहब के बेटे पे इल्जाम लगाता है, सारी रात उल्टा टांग दूंगा, समझे? सर आप ठंडा पियेंगे ये चाय? मैं सिर्फ डिस्टिल वाटर पीता हूँ। ले जाओ इसे। साहब साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, अल्लाह के वास्ते मेरे बाल बच्चों में तरस का ये साहब बंद करना साले। सुनो यार, दोबारा ऐसी गलती करोगे? नहीं साहब, मेरे बाप की तबा। छोड़ दो इसे। शुक्र कर साले के साहब ने तुझे माफ कर दिया, चल फुट। अबे फुट ठहरो मेरा। क्या बात है जी? वो उनकी गाड़ी से, मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट किया, बहुत रो रहा था, माफ कर दिया। कंप्लेन लिखे? नहीं सर। क्यों मैं पट्टे के, मेरा मतलब उल्लू के पट्टे, क्या नाम है तेरा? साहब रहीम खान। हाँ रहीम खान, ठीक है तुम जा सकते हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये अच्छा किया जो तुमने माफ कर दिया, वरना केस बन जाता तुम खाम खा तकलीफ में आ जाते। क्या मतलब? एक्सीडेंट में गलती किसी की भी हो, सजा शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को ही मिलती है। देखो मुझे कानून सिखाने की कोई जरूरत नहीं, समझे? कानून सीखने की तुम्हें आम आदमी से ज्यादा जरूरत है सतीश, इसलिए कि तुम कानून के रखवाले के बेटे हो। गैर कानूनी काम करोगे तो तुम्हारे बाप की पोजीशन और उनकी मोहब्बत दोनों को धक्का पहुंच सकता है। मेरे बाप की पोजीशन के बारे में सोचना ये तुम्हारा काम नहीं, तुम बस इतना सोचो कि ज्यादा बोलने से तुम्हारा कितना नुकसान हो सकता है। अगर ये वार्निंग है तो मैं इसे कबूल करता हूं। ओके सूरज, इसे कबूल करना कितना भारी पड़ेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जस्ट अ मिनट मिस्टर सतीश, एक मशवरा मैं भी तुम्हें देना चाहता हूं, ऐसे तुम चेतावनी भी समझ सकते हो। जिस तरह हमारी दो मुलाकातें हो चुकी हैं, अगर उसी तरह तीसरी मुलाकात भी हुई तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करके हवालात में डाल दूंगा। What nonsense!
तुम जैसे पुलिस इंस्पेक्टर के चार्ज में से पुलिस स्टेशन के अंदर से एक पूरा ट्रक चुरा लिया जाए, इट्स इम्पॉसिबल। जानते हो अखबारों ने क्या हेडलाइंस दी हैं? चोर आंख में से काजल चुरा कर ले गया। हम जानते हैं इंस्पेक्टर सूरज की आंख निकल सकती है लेकिन उसका काजल कोई चुरा कर नहीं ले जा सकता, लेकिन ऐसा हुआ। हम जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ। क्या पुलिस स्टेशन में से कोई आदमी उनके साथ मिल गया था? नो सर। क्या वाकई वो गलत ट्रक था जो तुमने पकड़ा? नो सर। तो फिर क्या हम ये मान लें कि धनराज ने जो हमें ऑफर दी थी वो तुमने कबूल कर ली? रिश्वत एक गाली है सर, जिसे सूरज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हम उस गाली को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है जो अखबार वाले हमें दे रहे हैं। आज सारे शहर में पुलिस वालों की हंसी उड़ाई जा रही है। चुलू भर पानी में डूब जाने का मुकाम है तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। हम जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ। सर आप सुन नहीं सकेंगे। What do you mean? मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता हूं। ये बात यहीं दब जाए तो अच्छा है। बकवास बंद करो इंस्पेक्टर। हमारा फर्ज बात को दबाना नहीं, जमाने के सामने लाना है। हम वजह जानना चाहते हैं। सर इट्स माय ऑर्डर। कौन है वो? आंख से काजल वही निकाल सकता है सर जो आंखों में बसा हो। कौन है वो? आपका बेटा सतीश। इंस्पेक्टर तुम हद से बाहर जा रहे हो। हद ना टूटे इसलिए शक का इजहार मैंने रिपोर्ट में नहीं किया सर। इजहार शक का नहीं सबूत का किया जाता है। तुम अपनी गलती छिपाने के लिए मेरे मासूम बेटे की आड़ ले रहे हो। इतने छोटे और घटिया इंसान निकलोगे मैं नहीं समझता था। एक्सीडेंट की आड़ लेकर आपका बेटा ऐसी हरकत करेगा ये मैं भी नहीं समझता था। तुम्हारे पास क्या सबूत है? क्या सबूत है कि वो सतीश ही था? क्या वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था? क्या ड्राइवर के चले जाने के बाद वो तुम्हारे पास ही रुका था? मुझे सतीश ने सब कुछ बता दिया है, यहां तक तुमने उसे कानून सिखाने की कोशिश की थी। सर मैंने अभी तक सतीश को जो कुछ भी कहा है अपना छोटा भाई समझकर कहा है, इंस्पेक्टर सूरज बनकर नहीं। लेकिन अब मैं सिर्फ सूरज बनकर आपसे कहता हूं कि अभी भी वक्त है सर, सतीश को संभाल लीजिए वरना कानून के रक्षक का बेटा एक दिन कानून का सबसे बड़ा भक्षक बन जाएगा और तुम्हारे खून के आंसू रोएंगे। सूरज अगर ये ऑफिस नहीं होता और तुमने ये वर्दी नहीं पहनी होती तो हम तुम्हारी जबान खींच लेते। आज के बाद तालुकात की बुनियाद पर तुम हमसे और हमारे बेटे से कभी बात मत करना। ठीक है सर, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से पुलिस स्टेशन से ट्रक बदलने वाले चोर की एक फाइल जरूर बनाऊंगा और वो फाइल सबसे पहले आपको पढ़वाऊंगा सर। सही वाह सतीश वाह, मान गए तुम। तुम्हारी एक ही चाल ने उस इंस्पेक्टर सूरज को चारों खाने चित कर दिया है। उसने डैडी से कहा है कि वो ट्रक के चोर की फाइल बनाएगा। वो फाइल बनने से पहले मैं उस हरामजादे की वर्दी उतरवा दूंगा। हाय डैड। हेलो बेटी आओ इनसे मिलो। ये मिस्टर सतीश आजी साहब के साहबजादे और मेरे नए पार्टनर। हेलो। और ये है मेरी बेटी आरती। उतारे जाने के काबिल है जी? आरती आरती उतारे जाने के काबिल है। थैंक यू। अरे बेटी तुम्हारे उस शो का क्या हुआ जिसके लिए तुमने डोनेशन दिया था? उसी की तैयारी में लगी हूँ डैड। ओके मैं चलती हूँ। ओके बेटी बाय बाय टेक केयर। गलती कर ली आपसे पार्टनरशिप मांगकर। क्यों कुछ और मांगना चाहते हो? जी हाँ, अगर आपकी बेटी का हाथ मांग लूं तो। अच्छी लगी हमें तुम्हारी फ्रैंकनेस। अच्छी लगी यानी क्या? भाई हमें तो कोई एतराज नहीं लेकिन तुम्हारे डैडी। अजी उनका बस चलता तो पैदा होते ही मेरी शादी करवा देते। फिर आरती जैसी लड़की उसे पाने वाला दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होगा। वाओ। तुम अंदर आने को नहीं कहोगे? आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? मैंने कहा आपसे वक्त मैं सुनने नहीं कहने आई हूं और जो कुछ मुझे कहना है तुम्हें सुनना पड़ेगा। देखिए मैडम ये एक शरीफ आदमी का घर है और मैंने चाहता कि आपको मेरे साथ यहाँ कोई अकेला देखे और इस घर की बदनामी हो। कितने कठोर हो गए हो तुम अजय। फिर वही राग। मैंने कहा ना मैं विजय हूँ। तुम विजय नहीं हो, तुम अजय हो, मेरे अजय। मैं अजय नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी खुदारी तुम्हें मुझसे दूर रहने पर मजबूर कर रही है
उसका एक हाल है। रिदम डांसिंग स्कूल वाले एक शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जीतने वाले को 3 लाख रुपया इनाम मिलेगा। ये नाम तुम जीत सकते हो, ये पैसा तुम्हें फिर विजय से अजय बना देगा। पैसा पैसा पैसा, कभी प्यार का नाटक, कभी पैसे की लालच। देखिए जिस आदमी की आपको तलाश है वो कमीना और खुदगर्ज पैसे का लालची होगा, लेकिन मुझे मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं। अजय मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। देखिए मेरी एक छोटी सी फैमिली है, मेरी माँ है, बहन है, भाई है, पत्नी है और एक बच्चा है, और मैं अपनी फैमिली को अपने आप से ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे अपनी पत्नी अपने बच्चे से मिलाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि एक दिन मैं तुम्हारी जुबान से सच जरूर बुलवाऊंगी। भगवान मैं क्या करूं? वो जो सच है। तुम कब आई? जब तुम्हारा झूठ उस मासूम लड़की के दिल पर नश्वर चला रहा था। लक्ष्मी कहाँ है तुम्हारी पत्नी, कहाँ है तुम्हारा बच्चा, बोलो। ये सब तुम नहीं समझोगी। तुम्हारा झूठ शायद समझ में ना आए, लेकिन उस लड़की का सच्चा प्यार, उसकी तड़प समझ सकती हूँ। मैं भी एक लड़की हूँ भैया, और इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी लड़की इतनी बेशरम नहीं होगी कि सच्चे प्यार के बिना किसी के पीछे इस तरह भागे जिस तरह वो तुम्हारे पीछे भाग रही है। खाओ मेरी सौगंध की तुम उसे नहीं जानते, खाओ मेरी सौगंध। अपनी सौगंध ना दे, मैं तेरी झूठी कसम खा भी नहीं सकता, और आरती जब तक किसी और के साथ शादी करके अपना घर ना बसा ले कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन तेरी कसम लक्ष्मी, तेरा भाई जो कुछ भी कर रहा है आरती के भले के लिए कर रहा है। बेटा लो, बेटा प्रसाद लो, मुंह मीठा करो। कोई खास बात है माँ? हाँ, लक्ष्मी की शादी पक्की हो रही है, बचपन से रिश्ता तय है, लक्ष्मी को भी लड़का बहुत पसंद है, लड़के वालों ने तारीख पक्की करने के लिए बुलाया है। मैं दहेज लेने और देने के बिल्कुल खिलाफ, गीता के बाद अगर किसी चीज में विश्वास है तो वो है 20 सूत्री कार्यक्रम। परंतु आपने तो मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया, दहेज को तो मैं रिश्तों का अपमान समझता हूँ फकीर चंद। परंतु मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेनी चाहिए, अभी तो मैं केवल अपने पहले परंतु पे पहुंचा हूँ। कहने के तात्पर्य ये है कि दुल्हन जब आए तो उसे देखते ही लगे कि वो आपके घर से हमारे घर आए। मैं कुछ समझा नहीं फकीर चंद जी। चलिए ये बात भी मैं आपको समझा देता हूं, दुल्हन जब आए तो कम से कम 100 तोले के गहने पहन के तो आए, परंतु 22 कैरेट से कम का सोना नहीं होना चाहिए, फिर 10-12 किलो चांदी, मारुति की वैन, 27 इंच का कलर टीवी, नेशनल का VCR, और इसके अलावा जो है देखिए ना, हम तो गांधीवादी हैं, लड़की के अलावा कुछ ले ही नहीं सकते। फिर भी अगर आप अपनी बहन को कुछ देने की जिद करेंगे तो हम रोकने वाले कौन? मैं ये सोना चांदी लाऊंगा कहां से? चलिए आपकी बात नहीं था, सोने चांदी को ले रही थी, 2 लाख रुपए कैश दे दीजिए, और अगर आप इसका भी प्रबंध नहीं कर सकते तो रहने दीजिए, आपकी बहन मेरी बेटी समान, जब कहीं और उसका विवाह होने लगे तो आमंत्रित कीजिएगा, मैं आशीर्वाद देने जरूर आऊंगा। मैं शादी नहीं करूंगी भैया, मैं शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करेगी या दूसरी जगह शादी नहीं करेगी? भैया तू मत, मैं सारी जिंदगी आंसुओं के साथ जीऊं लेकिन तेरा एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरी शादी होगी और उसी जगह होगी और सबकी खुशी और मर्जी के साथ होगी। रिदम डांसिंग स्कूल वाले एक शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जीतने वाले को 3 लाख रुपया इनाम मिलेगा। Bye.
जेंटलमैन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज के शो में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले आर्टिस्ट को, कलाकार को 3 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो लीजिए, अपने दिल की धड़कनों को संभालिए। वो खुश नसीब कलाकार है विजय कुमार। कंग्रेचुलेशंस। ऑल योर्स। थैंक यू सर। अजय, अब तो नहीं कहोगे कि तुम मेरे अजय नहीं हो? हाँ, हाँ मैं अजय हूँ। मुझे विश्वास था कि तुम शो में जरूर शरीक होगे। मेरी जरूरत ने मुझे मजबूर कर दिया था। अब तो जरूरत पूरी हो गई ना, अब मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? लक्ष्मी की शादी में दहेज देना, इसीलिए मैंने ये इनाम जीता है। और मेरे लिए? मेरे लिए तुमने कुछ भी नहीं सोचा? सोचकर भी कुछ नहीं कर सकता था आरती। शायद हमारा जन्म मिलकर बिछड़ने के लिए हुआ। मैं चाहता था कि बेवफाई करके, बुरा व्यवहार करके तुम्हारे दिल में नफरत पैदा कर दूं, लेकिन 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 क्यों? ऐसी कौन सी बात, कौन सा पहाड़ है जो हम दोनों के बीच आ गया है? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता आरती, और तुम मुझसे कुछ पूछना भी मत। और हो सके तो मुझे भूल जाना। तुम्हें उजाले में लाना चाहते हैं। प्रॉब्लम, तुम्हारी तस्वीर अखबार में छपेगी तो तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड पूना पुलिस जरूर निकालेगी। प्रॉब्लम, और फिर तुम कहोगे ये खुद ही सोच लो। देखो मुझे जाने दो, मैंने सारे बुरे धंधे छोड़ दिए और मैं एक शरीफ आदमी की जिंदगी जीना चाहता हूँ। शरीफ बन के जीना चाहते हो? नो प्रॉब्लम, ये रुपए हमें दे दो। ये रुपए मैंने अपनी बहन की शादी के लिए बहुत मुश्किल से कमाए, हम इन्हें आसानी से हासिल कर लेंगे। छीन लो रुपए।
तुमको पैसे चाहिए ना? ठीक है, यहां पड़े। जिसमें हिम्मत है उठा लो। मजबूरी है अजय कि तुम मुझसे दूर भाग रहे हो? और एक हमें जो दूर से भाग कर भी तुम्हारे पास आते हैं। आप? जी हाँ, मैं। तुम्हारी आस लगाए बैठे। मेरा सपना देखना छोड़ दो वरना पछताओगे। मेरा नाम सतीश है और जो चीज मुझे पसंद आ जाती है उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर लेता। मेरा नाम भी आरती है, जिनके हाथ पवित्र होते हैं उन्हीं के हाथ लगती हूँ। तुम जैसे गंदे आदमियों को मैं पास भी आने नहीं देती। Now get lost! इस नादान लड़की पर अजय का भूत सवार है। घबरा मत धनराज, उस भूत को भगाने का मंत्र मुझे आता है। कौन तुम? नोट गिनो सेठ, जितने मांगे थे उससे ज्यादा है। परंतु परंतु किंतु बट लेकिन सब बंद और शादी की तारीख पक्की करो। जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन इतना याद रखना, सूरज भैया दहेज के बिल्कुल खिलाफ है। अगर उनको यह पता चला तो वो बारात वापस कर देंगे और मैं ये वापस ले जाऊंगा। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, आप? जी हाँ, मैं इस कंपनी के ड्राइवर रहीम खान से मिलना चाहता हूँ। सर धनराज, आप उम्मीद नहीं थी कि आपसे यहाँ मुलाकात हो जाएगी। भाई कंपनी के मालिक होने के नाते ऑफिस में तो आना ही पड़ता है, लेकिन आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? आपको कष्ट देने के लिए मैं उस ट्रक की इंक्वायरी कर रहा हूँ जिस ट्रक के बारे में आपने आईजी साहब से बात की थी और जिस ट्रक को आपके दोस्त सतीश ने इस कंपनी के ड्राइवर रहीम खान के हाथों बदलवा दिया। बहुत कड़वा इल्जाम लगा रहे हैं यार, कोई सबूत? सारे के सारे सबूत खुद ब खुद सामने आ जाएंगे सर धनराज, जब एक बार इस कंपनी का ड्राइवर रहीम खान मेरे सामने आ जाए। हम इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानते। जानते नहीं है या छुपा रहे हैं? देखो इंस्पेक्टर, बिना सबूत के इल्जाम लगाने का हक तुम्हारी इस वर्दी को कभी नहीं दिया गया। इस वर्दी को क्या हक दिया गया है और क्या हक नहीं दिया गया है ये मैं आपको उस वक्त बताऊंगा जब ड्राइवर रहीम खान मेरे हाथ में होगा। एक मिनट इंस्पेक्टर, जब तक दिखाने का वक्त ना आए तब तक इस कंपनी में बगैर इजाजत आने की हिम्मत मत करना। अगली बार इस कंपनी में परमिशन के साथ ही आऊंगा और वो परमिशन होगा तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। हेलो, इंस्पेक्टर सूरज प्रसाद हियर। आपको जिस रहीम खान ड्राइवर की तलाश है उसका असली नाम रशीद है। कहाँ है वो? उसे कुछ लोग काली गुफा ले जा रहे हैं मारने के लिए। ओह नो, आप कौन बोल रही हैं?
ये मुझे कहाँ ले आए हो? हेलीकॉप्टर कहाँ है? कौन सा हेलीकॉप्टर? जो मुझे राजस्थान ले जाएगा। तुम्हें राजस्थान नहीं, कब्रिस्तान जाना है। क्या मतलब? जो आदमी पुलिस की नजरों में आ जाए उसे दुनिया की नजरों से गायब हो जाना चाहिए। ये अपने सतीश साहब का उसूल है। सूरज के कब्जे में और खबर मिली है कि वो हमारे खिलाफ बयान देने वाला है। सतीश के खिलाफ खुलने वाली जबान काट दी जाती है। बयान देने से पहले रशीद को कत्ल किया जाएगा। आदाब इंस्पेक्टर साहब। आदाब, कहिए। मैं रशीद साहब से मिलना चाहती हूँ। रशीद मियां से मिलने की किसी को इजाजत नहीं है। मैं रशीद साहब की बीवी हूँ और उनसे ये कहने आई हूँ कि जिन पैसों के लालच में वो मुजरिम बने हैं वो हमें नहीं मिले। वो पुलिस को मुजरिमों के बारे में बता दें तो अच्छा है। ओ, हवलदार जी साहब, इन्हें रशीद साहब से मिलवा दो। ये जाइए। आइए। मैं अपने होश आवास में बगैर किसी दबाव के बयान देता हूँ कि ट्रक के नंबर प्लेट आईजी के बेटे सतीश ने बदले थे। मैंने जो कुछ किया सतीश के कहने पे किया। सतीश धनराज सेठ के साथ स्मगलिंग और चोरी में भी शामिल है। रशीद, तुमसे कोई मिलने आया? कौन है आप? शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। समझा दिया रशीद को? जी हुजूर, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। चलती हूँ, खुदा हाफिज। बैठ बैठ। ये लड़के कौन थे? सर वो रशीद की बीवी थी, उससे समझाने आई थी कि सब कुछ पुलिस को बता दो। रशीद और तुम्हारे, अरे ओ माय गॉड, रशीद, रशीद क्या हो? रशीद काम हो गया? तुम रशीद का ख्याल रखो। हाँ आदमी भेजो, तुम खड़े खड़े करो। चलिए डॉक्टर बुलाओ। रशीद डॉक्टर आता भी। इंस्पेक्टर साहब, मुसलमान का ईमान अमल अमल के बिना अधूरा रह जाता है। वो पेन। ये लो रशीद। ला इल्ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह। तुम
घबराइए मत, ना तो मैं उस दिन जितने नशे में हूं और ना ही तुम्हारा वो दिल फरेब अंदाज है, इसलिए बात सिर्फ जबान से होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? हिम्मत? तुम्हारा ये घर, तुम बल्कि तुम्हारी हर चीज धनराज के पास गिरवी है, और धनराज ने तो तुम्हें बता ही दिया होगा कि मैं उसके बराबर का पार्टनर हूं। हाँ, क्या चाहते हो? तुम्हारी चाहत का फायदा उठाना चाहता हूं। तुम्हारे चहीते इंस्पेक्टर सूरज ने मेरी एक फाइल बनाई है, उसे उसके घर से चुरा कर लाना है। मैं ये काम नहीं करूंगी। ठीक है, तुम्हारा इनकार मैंने सुन लिया, अगर धनराज सुनेगा उसे गुस्सा आएगा, और उस गुस्से के बदले में जो होगा वो तुम बर्दाश्त कर सकोगी? फाइल आ जाएगी। I knew it. और मैंने कहा ना मुझे आज सबसे पर्सनल काम है। दिल्ली से कब लौट रहे हैं? कल। अच्छा ठीक है। अरे तुम कैसे आई? पुलिस वाले अचानक घर में रेड डालते हैं, मैं आज आपके घर में रेड डालने आई हूँ। नमस्ते माँ जी, जीती रहो। आओ बैठो, आओ बेटी, मिलो इनसे। मैं ये कमल है, तुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं सब समझती हूँ। ये लक्ष्मी है। हेलो, चाय बनाओ बेटी। हाँ। क्या काम करती हो बेटी? जी मैं, अरे तुमने मुझे कल फोन किया था ना, क्यों? आपके पुलिस स्टेशन में इतना बड़ा हादसा हो गया, मैं रात भर परेशान रही। ये तो भगवान का शुक्र है कि मैं कामयाब हो गया अपने मकसद में। मैंने सतीश के खिलाफ जो फाइल बनाई थी, रशीद उस पर दस्तखत करने के बाद ही मरा। अभी तो आइए साहब शहर से बाहर गए हुए हैं, वरना उनकी इजाजत से मैंने अब तक उनके बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया होता। उस फाइल की हिफाजत बहुत जरूरी है। तुम फिक्र मत करो, घर के अंदर कपड़ में रख दिया मैंने, यहाँ से उसे कोई नहीं ले जा सकता। चाय। अरे अरे अरे, कपड़े खराब हो गए। कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरी साड़ी पहन लीजिए ना। हाँ हाँ बेटी, इसे अपना ही घर समझो। कमाल है, आइए। वहाँ ठिकाना नहीं रहता। नहीं, अच्छा माँ देर हो रही, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। ये लो, जो पसंद आए वो पहन लो। ये फाइल? ये तो भैया की फाइल है। नहीं नहीं, तुम ये साड़ी पहनो। इसमें खास बात ये है कि ये भैया अपनी पसंद से लाए थे। भैया की पसंद तो पसंद करोगी ना? तुम इसे बदल लो, मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। कितनी सुंदर लग रही हो तुम, हमेशा साड़ी पहना करो। आप कहती हैं तो जरूर पहना करूंगी। और ये मैं बताती हूँ कि कैसे पहना करो। ऐसे। अच्छे वक्त पर आए बेटे, इससे मिलो। अरे विजय भैया से क्या शर्माना? लड़की कितनी भी मॉडर्न हो, साड़ी पहने तो शर्मा ही जाती है। मामी जरा एक मिनट बैठा हूँ। अच्छा माँ जी मैं चलती हूँ, लाओ मैं ये कपड़े धुलवा दे, इसे मैं धुलवा लूंगी। Yeah. सूरज के सारे अरमानों का मैंने क्रियाक्रम कर दिया है,
और उसमें मेरी सबसे बड़ी मददगार हो तुम, इसलिए मांगो क्या चाहिए। मेहरबानी करके मेरे घर से चले जाइए, गेट आउट। ठीक है, क्योंकि हम तुमसे बहुत खुश हैं इसलिए मेहरबानी कर ही देते। हाँ लक्ष्मी, विजय क्या हुआ? माँ एक बात बताओ यार, फाइल रखी थी वो कहाँ गई? तुमने वही तो रखी थी, कहाँ गई? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, फाइल। कमाल है, समझ में नहीं आता दिन में कहाँ खो गया आपका सूरज। आधा घंटा हो गया उसे फोन किए हुए डैड। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आपको तकलीफ ना उठानी पड़े इसलिए डैड ने मुझे यहीं बुला लिया। क्वाइट सतीश, आई एम सॉरी डैड। फाइल कहाँ है इंस्पेक्टर? सर वो फाइल मेरे घर से चोरी हो गई। कमाल है, अरे तक बदला था तब तो मैं पुलिस स्टेशन में ही था और फिर आपके घर में तो मैं कभी गया ही नहीं। सर मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, लेकिन हम जान चुके हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की नाक, फर्ज का दीवाना और जुर्म के अंधेरों को अपनी रोशनी से मिटाने वाला सूरज आज खुद अपनी आग में जल गया है। बहन की शादी और होटल में गाने नाचने वाली प्रेमिका के खर्चों ने उसका रास्ता बदल दिया है। सर खुद कर दिया और लालच ने आज उसे रिश्वतखोर बना दिया है। ये इल्जाम है सर, मेरे पास सबूत है। जिस सूरज के साए से मुजरिम भागते थे आज वही सूरज चोरों का रहनुमा बन चुका है। क्या सबूत है आपके पास सर? सबूत यह है, सबूत विजय। हाँ विजय, जिसका असली नाम है अजय, वो चोर जिसकी तलाश में इंस्पेक्टर यादव बंबई आया, जिसे तुमने अपना भाई बनाकर अपनी वर्दी की आड़ में छिपा रखा और इल्जाम लगा रहे हो मेरे सीधे साधे भाई पर। लिसन इंस्पेक्टर सूरज प्रसाद, तुम्हारा पिछला पुलिस रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इसलिए मैं फौरन तुम पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर एक महीने के अंदर तुमने अपनी पोजीशन डिपार्टमेंट में क्लियर नहीं की तो मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। आपको दूध नहीं पिलाया करते मां। ये क्या कह रहे हो बेटे? मैं ठीक कह रहा हूं मां, ये हराम खोर आस्तीन का सांप है। भैया खबरदार जो मुझे भैया कहा तो, पता कितने पैसे दिए थे उस आईजी के बेटे को तुझे फाइल चुराने के लिए। ये क्या कह रहे हो भैया, फाइल मैंने चुराई? इंस्पेक्टर सूरज प्रसाद को जुर्म का इकरार कराना अच्छी तरह आता है। सूरज हट जाओ मां, बोल। भैया क्या सबूत है कि फाइल विजय भैया ने चुराई है? सबूत? पूछ इससे कि इसका पेशा क्या है, नाच गा के भीड़ इकट्ठी करके चोरी करना क्या इसका काम नहीं है? इंस्पेक्टर यादव जिस चोर की तलाश में है क्या ये वो नहीं है? हाँ ये सच है, हाँ ये सच है कि मैं चोर था और ये भी सच है कि इंस्पेक्टर यादव मेरी तलाश में है, लेकिन लेकिन मैंने फाइल नहीं चुराई। तेरी कसम लक्ष्मी, ये झूठी कसम मत खा। मैं कहता हूं बोल, फाइल कहां? बोल, मेरा जान से मत, मेरा विश्वास करो भैया। मेरी बात तो सुन मां, तुम हट जाओ मेरे सामने से। भैया 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 क्या कर रहे हो? मार डालेंगे क्या इसे? मैं इस हरामजादे का खून पी जाऊंगा। इसने ना सिर्फ सोने चांदी हीरे जवाहरात की चोरी की है बल्कि इसने मां की ममता को भी धोखा दिया है। इसने बहन के प्यार से विश्वासघात किया है, छोटे भाई का चोला पहनकर इसने मेरे मेरे जज्बात को लूटा है और इंस्पेक्टर सूरज प्रसाद को आईजी के सामने इसने जलील किया है। मैं सच्चाई कानून के रखवाले को मैं कानून तोड़ने नहीं दूंगा। इसके हर जुर्म हर गुनाह की सजा इसे कानून देगा, अदालत देगी। ठीक है इंस्पेक्टर यादव, इससे पहले कि मेरा गुस्सा कानून की इज्जत हावी हो जाए इसे मेरी नजरों के सामने दूर कर दो। Thank you.
अजय, अजय जो आज तक विजय बनकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा, आज पुलिस की हिरासत में है। मुझे ये पढ़कर बहुत खुशी हुई। खुशी? क्यों नहीं, अपनी इकलौती बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। जिस इंसान के लिए तुम दिन रात इंतजार किया करती थी, वो एक डाकू, चोर और बदमाश निकला। नहीं जर, ये सब झूठ है। ये बिल्कुल सच है, इसीलिए उसने अपना मुंह काला किया और तुमसे दूर भागता रहा। मेरा दिल नहीं मानता। अदालत तुम्हारा दिल नहीं देखेगी, वो सबूत मांगेगी जो इस वक्त अजय के खिलाफ है। बेहतर ये होगा कि तुम उस लुच्चे लफंगे को भूल जाओ। मैं नहीं मान सकती, मैं नहीं मान सकती। क्या कह रही? सच कह रही हूँ। अजय ने मुझसे खुद कहा था कि नाम के पैसे वो लक्ष्मी की दहेज में देना चाहता है। वो चोर क्यों बना, चोरों की टोली से उसका क्या संबंध है, मैं नहीं जानती। लेकिन इतना जानती हूँ कि अगर वो पैसे का लालची होता तो भागने के बजाय मुझसे शादी करके करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बन गया होता। मेरा मन कहता है विजय गलत नहीं हो सकता बेटे। जो इंसान अपनी कमाई के लाखों रुपए तुम्हारी बहन के दहेज के लिए दे सकता है, वो किसी भी कीमत पर तुम्हारी फाइल नहीं चुरा सकता। भैया मैं जानती हूँ विजय भैया मेरी झूठी कसम नहीं खा सकते, वो और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी फाइल नहीं चुरा सकते। जितना जी चाहे मार लीजिए, खाल घीट लीजिए मेरी, लेकिन मुझे विश्वास कीजिए ये फाइल मैंने नहीं चुराई। इंस्पेक्टर साहब, उल्लू के पट्टे, थोड़ी पिटाई क्या कर दी कि भैया कहना भी भूल गया। पापी ने तो मना किया था। अबे तो मैं भी तो उल्लू का पट्टा हूं ना, पुलिस की नौकरी करते करते दिमाग बिल्कुल डंडे की तरह सख्त हो गया। चोर उचक्के खूनी भावना की आग में तपकर कुंदन बन जाते हैं, ऋषि मुनि बन जाते हैं। तू बदल सकता है, ऐसा मैंने क्यों नहीं सोचा। मार के माफ करेगा या गल लग के? भाई तुम हाँ, इसी की वजह से मुझे तेरी सब बातों का पता चला। मैं इसका आभारी हूं और इसका आभार चुकाने के लिए मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम इस मासूम का दिल क्यों दिखाया। न भैया, मैं आरती के काबिल नहीं हूं। अबे तेरी कौन सी इज्जत लुट गई उल्लू के पट्टे, जो तू इसके काबिल ले रहा। मुझसे शादी करके इसकी जिंदगी, इसकी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। डायलॉगबाजी बंद करो, जवाब दो। मेरी समझ में आज तक नहीं आया, क्यों क्यों तुम मुझसे नहीं आए? पिताजी हमारी सगाई के लिए राजी थे, ऐसी कौन सी दीवार थी जिसने तुम्हें रोक दिया? आरती, जवाब दो विजय, जवाब दो। कौन सी बात थी, कौन सी रुकावट थी, क्या हुआ था उस दिन? बोलो बोलो विजय। जैसा कि मैंने आरती के पिताजी से कहा था कि उसे अपनाने से पहले मैं इतना पैसा कमाना चाहता था जो आरती को सुख दे सके, उसे आराम दे सके। उस दिन मैं सगाई के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक कहिए प्रॉब्लम। व्हाट? आप अजय कुमार जी है ना? जी। क्यों? जी मैं शिवाजी हॉल का मैनेजर हूँ, आपसे एक जरूरी काम था। देखिए आज मैं जरा जल्दी में हूँ, आप कल आइएगा प्लीज। अजय साहब, आई हैव अ मेजर प्रॉब्लम। अगर इस वक्त आपने हमारी मदद न की तो इज्जत के साथ साथ लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। देखिए आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए, दरअसल आज मेरी मंगनी है सेठ धनराज जी की बेटी के साथ, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वक्त पे पहुंचना बहुत जरूरी है। नो प्रॉब्लम, आप वहां वक्त पे पहुंच जाएंगे। मुझे तो आपका सिर्फ एक घंटा चाहिए और इस एक घंटे के मैं आपको 25,000 रुपए दूंगा। 25,000 रुपीज? 25,000? आप अपनी होने वाली जीवन साथी को एक कीमती तोहफा दे सकेंगे, समथिंग एक्सक्लूसिव। काम क्या है? हमने अपने हॉल में एक डांस कंपटीशन रखा है, अचानक पता चला कि मेन डांसर बीमार है, शो कैंसिल किया तो पब्लिक थिएटर को आग लगा देगी। अगर आप इस शो में भाग ले लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई डू इट। Thank you.
Oh,
सारा जमाना तो मेरा दीवाना है, गीतों का मैं हूँ दीवाना। कहानी है दुनिया सुहानी है, नशे में डूबी जवानी। में दिखाने क्या क्या निशाने लगाने आ गया किसी ने नहीं, खून किया है तुमने। क्या? मैंने? इस शो को अरेंज करने का मकसद ही तुम्हें फंसाना था। सारी पब्लिक ने तुम्हें चाकू फेंकते हुए देखा है और लाश में लगे चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। और उस कैमरे में खींची हुई फोटो, ये सब सबूत खून का इल्जाम साबित करने के लिए काफी है बच्चे। प्रॉब्लम, अब सिर्फ तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक, खून के इल्जाम में फांसी पर लटक जाओ। दूसरा, या जिंदगी भर हमारे इशारों पर नाचते रहो। Choice is yours. इसके बाद आरती की जिंदगी में जाने का मतलब था उसे जानबूझ के विधवा बनाना। अगर वो लोग वो फोटो पुलिस को दे देते तो मुझे तो फांसी हो जाती, लेकिन आरती का क्या होता? लेकिन वो खून तुमने नहीं किया था अजय। मेरी बातों पर भरोसा तुम करोगी आरती? भैया करेंगे, लेकिन कानून तो बस सबूतों पर फैसला सुनाता। सबूत लाना पुलिस का काम है, मेरा काम है। मैं तुम्हारे जमाने के कागजात तैयार करवाता, तुम्हें अभी बुलाता। उस जन्मदिन में हमारी सगाई होने वाली थी, तुम नहीं आए। कल फिर मेरा जन्मदिन है। उस दिन का अधूरा काम कल पूरा करके हम अपनी जिंदगी की किताब से गुजरे हुए साल को काट के फेंक देंगे। अजय, अगर मुझे भैया नहीं आए तो मैं शादी नहीं करूंगी। अरे भाई के होते हुए विदा होने वाली बहन की इच्छा पूरी न हो कैसे हो सकता है? भैया, भैया मैं इसे कुछ खिला देना, मैं अब ड्यूटी बजा रहा हूं। रोबर्ट पगली, तू तो जानती है कि मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। भैया, भगवान ने हर परीक्षा तुम्हारे लिए क्यों बनाई है? मेरी शादी, आरती का प्यार और
और फाइल की चोरी। अरे पगली, परीक्षाएं तो होती ही हौसला बढ़ाने के लिए। ऐसा हौसला जिसके सहारे में अपने आप पे लगे हुए इल्जाम कोई नहीं बल्कि आईजी के बेटे सतीश को भी बेनकाब कर दूंगा। आईजी का बेटा? हाँ, ये सतीश वही शैतान है जिसने तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, जिसकी काली जिंदगी का सबूत उस फाइल में था। तेरी सौगंध लक्ष्मी, इस फाइल की चोरी के बाद सूरज भैया की पोजीशन पे जो ग्रहण लगा उसे जब तक न मिटा दूं, ना तो खुद चैन से बैठूंगा ना सतीश को चैन से बैठा दूंगा। साहब जी, अभी थोड़ा देर पहले बड़ा साहब का फोन आया जी, एक पार्टी में गए जी, लेट आएंगे, आपके लिए खाना लगाऊं जी? नहीं, खाना वाना कुछ नहीं, मुझे तैयार होकर पार्टी में जाना है, तुम खाना खा के सो जाओ, जा। जी अच्छा। जैसे विजय बना दिया, यहां तक कि जान से ज्यादा प्यार करने वाले प्रेमिका को बेहोश बनकर तड़पाता रहा, रोता रहा सिर्फ तेरी वजह से। और ये तुम क्या कह रहे हो अजय? ये तो मेरे डैडी के होटल की डांसर है। नहीं आरती, ये वही लड़की जिसके खून का इल्जाम मेरे सर पर है, और अब ये मुझे बताएगी कि किसने इसने झूठी मौत का नाटक किया, क्यों फंसाया मुझे, क्या चाहती थी ये मुझसे, आज ये तो वाकई तो मेरे हाथ से मारी जाएगी, ये सब कुछ सच सच बताएगी। कमल, लोगों के सामने शरीर की नुमाइश करना, नाचना गाना तुम्हारा पेशा है मैं जानती हूँ, लेकिन सीने में धड़कने वाला दिल, उसमें भरी ममता, रहम दिली और प्यार वही होगा जो नारी जाति का श्रृंगार है। नारी को भगवान के बाद का दर्जा दिलाता है, उसे देवी कहलाता है। मैं उसका वास्ता देती हूँ, मेरी मोहब्बत को बचा लो। तुम्हारी मोहब्बत? हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, मेरे डैडी मेरी शादी भी करना चाहते थे, अचानक अजय गायब हो गया, पूरा एक साल मैं दीवानों की तरह से ढूंढती रही, मेरे आंसुओं पर भगवान को दया आ गई, तेरा खोया प्यार मुझे मिल गया, लेकिन जुर्म और गुनाहों के जिन इल्जामों में फंसा है उनका बोझ तुम कम कर सकती हो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुमने भी किसी से प्यार किया होगा, तुम्हें उस प्यार का वास्ता, मेरे प्यार को बचा लो कमल प्लीज। आरती, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, तुम्हारी मौत तो सिर्फ नाटक था, लेकिन अजय मुझे ना मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा मत कहो आरती, मुझसे अनजाने में इतना बड़ा गुनाह करवा लिया गया, ये मैंने सोचा भी नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए दो प्रेमियों की बर्बादी का कारण अब मैं नहीं बनूंगी, मुझसे ये सब कुछ सेठ धनराज ने करवाया था। मेरे
पिताजी ने? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया कमल, बाप ने जो कांटे मेरे रास्ते में बोए हैं आज वो भरी महफिल में उनके दिल में चुभाए जाएंगे। ठहरो आरती, जोश में आके कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो दुनिया के सामने बेटी के नाम को शर्मिंदा कर दे। आज तक बेटी ने बाप का अदब किया है, आज बगावत करेगी, और रही दुनिया तो दुनिया की ऐसी की तैसी। दुनिया की ऐसी की तैसी, अरे दुनिया की ऐसी की तैसी, अरे प्यार किया है प्यार करेंगे, दुनिया से अब तो हम ना डरेंगे, दुनिया की ऐसी की तैसी, अरे दुनिया की ऐसी की तैसी। दिल दिया ये टूट चुका है, अब तो भरम ये टूट चुका है, दुनिया ये दुनिया है कैसी, अरे दुनिया की ऐसी की तैसी, दिल दिया दिल दिया। Yeah.
चुपचाप यहां से चले जाओ वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। खबरदार जो किसी ने हाथ भी लगाया ऐसे। आंटी क्यों डैडी, उस दिन आप मेरी सगाई अजय से करना चाहते थे ना, अब इसे निकालना क्यों चाहते हैं? आज क्या हो गया आपको? उस दिन अगर याद आता तो जरूर कर देता। आता कैसे सेठ जी, आपका चक्र भी इतना मजबूत था कि उससे बाहर निकलने में मुझे पूरा एक साल लग गया। सेठ जी कहावत है, टाइम भी साथ घर छोड़ देती है, आपने तो बेटी तक को नहीं छोड़ा। छोड़ा? मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटी की भलाई के लिए किया। कौन बाप चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी एक सड़क छाप दो कौड़ी के इंसान के साथ हो? इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी सेठ जी? मुझसे कहते मैं खुद आपकी बेटी की जिंदगी से दूर चला जाता। कम से कम जो दाग मेरे दामन पे लगे वो तो लगते। आपने बेटी का दिल ही नहीं तोड़ा डैडी, अपनी गंदी चाल से बेटी के प्यार को मुजरिम बना दिया है। शर्माती ही मुझे आपको बाप कहते हुए। हरी महफिल में बाप के मुंह पर कालक पोत रही हो, इस बात की शर्म नहीं आ रही तुम्हें? एक चोर चपके का हाथ थाम कर खड़ी हो, इस बात की शर्म नहीं आ रही तुम्हें? ये हाथ मेरी जिंदगी का सहारा है, इसे थामना मेरे लिए फखर की बात है। मैं वो हाथ काट दूंगा जो मेरी मर्जी के खिलाफ तुम पकड़ा। पहले शायद बाप की इज्जत के लिए हाथ अपने हाथों से अपने प्यार का गला घोटे थे, लेकिन अब इन हाथों ने अपने नहीं अपने प्यार की हिफाजत करना भी सीख लिया है। बहुत डायलॉग बोल लिया हीरो, अब चुपचाप आरती को छोड़ के यहाँ से चले जाओ वरना मेरा एक टेलीफोन तुझे जेल में सड़ाने के लिए काफी होगा। लखमान कह रहा हूँ जेल में कौन सड़ेगा इस बात का फैसला तब होगा सतीश जब तुम्हारे कमरे की अलमारी से पुलिस को नोटों के बंडल मिलेंगे मगर लाइसेंस के हथियार मिलेंगे। चलो आरती। अब हम बताते हैं ऐसी की तैसी कैसे की जाती है। ऐ जमुरे अंदर की तरह ये उछल कूद बंद करो वरना। डैडी आप कितने जालिम हो गए हो, बेटी के गले पे पिस्तौल रखी है। जरूरत पड़ी तो ये गोली तुम्हारे गले में छेद भी कर सकती है। नहीं डैडी, बाप अपनी बेटी को नहीं मार सकता। मार सकता है, मार सकता है वो जो बाप ना हो। क्या? ये क्या कह रहे हो धनराज? हम सिर्फ इसके रिश्ते के चचा हैं। इसके माँ बाप ने मरते वक्त हम पर दो जिम्मेदारियां डाली थी, जिसकी परवरिश और तमाम जायदाद की देखभाल। उस वक्त ये सिर्फ 2 साल की थी। और मेरे माँ बाप? वो दोनों बेचारे तो कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। हाँ वो बात अलग है कि वो एक्सीडेंट भी हमने ही करवाया था। तुम मेरे
मम्मी डैडी के कातिल हो, खूनी हो, और मैंने तुम्हें जिंदगी भर बाप समझा। और हमने तुम्हें हमेशा धन की पेटी समझा। अरे हम तुम्हारा गला तो बचपन में ही दबा देते लेकिन बाद में पता चला कि तुम्हारे बेवकूफ बाप ने एक वसीयत की थी, तमाम जायदाद शादी के बाद मिलेगी, और वो भी तुम्हें नहीं, उसे जो तुमसे शादी करेगा। तुमने मेरे मम्मी डैडी को मार डाला, मेरे प्यार के रास्ते में दीवार बने। मैं तुम्हें सारी जायदाद दे दूंगी, मुझे जैसे शादी करने दो। अब ये नामुमकिन है। तुम लोगों को हमारे इतने राज मालूम है कि खुली हवा में तुम लोगों का सांस लेना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फिर तुम मेरी पसंद हो, मेरी चाहत हो, ले चलो इन दोनों को। मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी पिताजी। तुम्हारे पिताजी की बीमारी ही वो मजबूरी थी ना, जिसकी वजह से तुम्हें शेर धनराज के हाथों कठपुतली बन जाना पड़ा, जिसकी वजह से नकली खून का नाटक रचाकर तुमने मेरे भाई विजय को फंसाया। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने सारी बातों की इंक्वायरी कर ली है कमल। मैं तुम्हारे पिताजी को लेकर पुलिस हॉस्पिटल जा रहा हूँ। काश तुम मुझे पहले मिले होते। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई। अजय और आरती की जिंदगी खतरे में है। धनराज उन्हें जंजीरा के अड्डे पर ले गया है। अजय ने सतीश के कमरे में गैर कानूनी हथियार देखे थे, वो उसे जान से मार देना चाहता है। मेरे होते हुए कोई मेरे भाई का बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे पिताजी को अस्पताल पहुंचाकर जंजीरा पहुंचता हूं। तुम इस बीच आईजी साहब को जाकर सारी बातों की खबर कर दो। खबरदार जो मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाया। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है आईजी साहब। आपके बेटे के कहने पर मैंने सूरज के घर से फाइल चुराई। आपका बेटा सेठ धनराज के साथ मिलकर बिना लाइसेंस के हथियारों की स्मगलिंग करता है। क्या सबूत है तुम्हारे पास इन फजूल बातों का? सबूत आपके बेटे के कमरे में है, उसकी अलमारी में है। अरे लड़की, अगर ये झूठ हुआ तो हम तुम्हें बहुत सख्त सजा देंगे। आओ मेरे साथ। अभी भी वक्त है सर, सतीश को संभाल लीजिए, वरना कानून के रक्षक का बेटा एक दिन कानून का सबसे बड़ा भक्षक बन जाएगा और तमाम खून के आंसू बहेंगे। हेलो कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर जनरल रंजीत सिंह बोल रहा हूं। शहर के हर रास्ते की नाकाबंदी कर दी जाए और मेरे बेटे सतीश को देखते ही गिरफ्तार कर लो। हाँ हाँ, मेरा अपना बेटा है सतीश, समझे? वेरी बैड डैड, वेरी बैड। बाप बेटे के रास्ते खोलता है और आप हैं जो बंद करवा रहे हैं। सैड। अगर पता होता कि तू हमारी इज्जत और शराफत को इस तरह सरे बाजार नीलाम करेगा तो पैदा होते ही हम तुझे गोली मार देते। जो रास्ते आपने बंद करवाए वो आप ही खुलवाएंगे। ऐसा किसी कीमत में नहीं होगा। ऐसा होगा, होगा। मैं जानता हूं डैड, आपको अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन आपके सामने इस बेचारी की जान चली जाए ये आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपकी आंखों का ज्वालामुखी मुझे पसंद नहीं कर सकता। मेरे पिस्तौल की एक गोली इसके पेट में सराख कर सकती है, इसलिए आंखें रास्ते पर रखिए। ज्यादा होशियारी नहीं डैड, वरना सर कंट्रोल रूम से खबर मिली थी कि आपने अपने बेटे की गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया है, मगर ये तो आपके साथ है। किसी ने डैडी के नाम से मजाक किया ऑफिसर, सारे शहर की पुलिस परेशान है। क्यों डैड? बहुत बेहुदा मजाक है, मैं अभी कंट्रोल रूम को इत्तला देता हूं। सीधे जंजीरा के रास्ते पर चलिए डैड। मुझे डैड मत कहो। ओके आईजी रंजीत सिंह, चलिए। Thank you.
बता रही तुमने? डैड मैंने कहा ना मुझे डैड मत कहो। आखिरी बार डैड, वरना बात का मजा निकल जाएगा। याद है जब हम बचपन में सफर किया करते थे, मैं शैतानी करता था और आप मुझे डराते थे ये कहते हुए कि आप मुझे जंगल में छोड़ के जाएंगे। आज मैं आपको छोड़ रहा हूं डैड। अंदर चलो। अजय, अजय, ये क्या हो गया अजय? अजय, लगा लो, खूब जी भर के एक दूसरे को गले लगा लो। थोड़ी देर में तुम्हारी लव स्टोरी अमर हो जाने वाली है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ना मिलने वाले प्रेमियों की दास्तान की तरह। दोनों तरह हवस को जिंदगी मानने वाले, तुझे प्रेम की शक्ति का अंदाजा नहीं है। हमें दुनिया तो दुनिया आसमानी ताकत भी नहीं कर सकती। आरती, हम मर जाएंगे लेकिन अपने प्यार को इस राक्षस की भेंट नहीं होने देंगे। बेवकूफ लड़के, नंदराज जो करना चाहता है उससे पहले यमराज भी तुम दोनों को हाथ नहीं लगा सकता। जानते हो ये मंडप पंडित वकील और ये वीडियो कैमरा किस लिए लाए गए? उस शादी के सबूत के लिए जो मुझे करोड़ों का मालिक बना देगी। बस सतीश के आने की देर है। तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा कुत्ते, भले ही तू मेरी बोटी बोटी अलग कर दे। तेरी बोटी अलग ना हो इसलिए इस सुअर को बांधा रखा है। और जब तक तेरी ना हां में नहीं बदल जाएगी तब तक हम इसे तड़पाएंगे। इसकी बोटी बोटी को इन जलती हुई सिलाखों से दागेंगे। अजय, मैं हर जुम सहलूंगा आरती, लेकिन तू हिम्मत मत हारना। तुझे मेरी सौगंध, तू हाँ मत करना। जरा देखे प्यार करने वालों में बर्दाश्त का कितना मादा है। ऐसी की तैसी है। हट जाओ आरती, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, मैं कहता हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ यहाँ से, हट जाओ इसे। तुम मत बताना आरती। ऐसे की ऐसी अब भी मान जाओ। आरती, अपने अपने दिल को मजबूत रखो। तुम्हारा तुम्हारा सांस ही मेरी हिम्मत है। नहीं देख सकती अजय, नहीं देख सकती। आंखें बंद कर ले आरती, और जब तक मेरी आवाज सुनाई ना दे आंखें खोलना मत। तुझे तुझे मेरी सौगंध। I love you, Ajay. I love you, Ajay. Ajay, I love you. I love you, Ajay. Ajay, I love you. I love you, Ajay. I love you, Ajay. I love you, Ajay. आखिरी मौका है आरती, अब भी अपनी नहा में बदल दो और सतीश से शादी कर लो। आरती, अच्छी लगी हमें तुम दोनों के प्यार की बर्दाश्त अच्छी लगी। अब हम मोहब्बत की इंतहा को देखेंगे। अब हम अपने हाथों से इसकी आंखें निकालेंगे। नहीं, 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 नहीं
कोई तो चाहता है कि जितने घाव तूने मेरे भाई के जिस्म में किए हैं उतनी ही गोलियां तेरे शरीर में उतार दो। लेकिन आरती का रिश्ता और कानून ने मेरे हाथ बांध दिए। ये आरती का बाप नहीं भैया, ये आरती के मां बाप का कातिल है। हराम ज्यादा मैं तुझे फांसी पर लटकवाऊंगा। पहले इसको तो बचा लो। पिस्तौल फेंक दो इंस्पेक्टर। मेरी फिक्र मत करो सूरज, इन दरिंदों को खत्म कर दो। विजय और आरती की मोहब्बत को बचा लो। इनकी मोहब्बत को बचाने के लिए तुम्हें अपने प्यार की चिता जलानी पड़ेगी, ये सोच लो। हमारी मोहब्बत का मैल तुम्हारे प्यार की अर्थी पर नहीं खड़ा होगा। छोड़ दो मुझे। नहीं भैया, छोड़ दो भैया, मेरी बात को समझिए। कोई कहो छोड़ दो मुझे। नहीं भैया, मैं कहूँ छोड़ दो। Thank you.
मुझे डांट मत कहो, मुझे डांट मत कहो, मुझे डांट मत कहो, मुझे डांट मत कहो। सर ये क्या किया आपने? सर मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये कभी क्या कर लेते हैं? एक कामयाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस एक नाकाम पाप साबित हुआ। काश हमने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज बेटे के हाथों पाप का और बाप के हाथों बेटे का खून न बहता।